हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूथ आर्मी द ड्रीम्स ऑफ यूथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है जो भी इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरना चाहते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाया गया, अगर आपने लास्ट डेट ऑफ ई फाइलिंग यानी जैसे कि असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 का 31 जुलाई को लास्ट डेट था, अगर रात की टाइम आप भरना शुरू किया और आपको रिटर्न भरते टाइम रात को 12 बज जाता है तो उस केस में आपको पेनल्टी देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा और आपको किस तरीके से फाइलिंग करना है, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो इंडियन आर्म फोर्सेस में नौकरी करने वाला भाई बंधु को डेडिकेट करता हूँ, आज भी उस वीडियो इन सब भाई लोगों को लिया है जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में नौकरी करते हैं। दोस्तों, जो भी भाई आपने कई हाई एल्टीट्यूड या कई फील्ड एरिया में डिफिकल्ट टेरेन में नौकरी करने की वजह से आपने ठीक टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाया, तो दोस्तों फिकर मत कीजिए। आज की इस वीडियो में आपको बताया गया है आपको डिले फाइलिंग किस तरह करना है। अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइलिंग नहीं कर पाया तो आज इस वीडियो को देखकर आप आसानी से फाइल कर सकते हो। आपको ये दिखाया गया है जो किस तरह आपको डिले फाइलिंग करना है, अगर आपको पेनल्टी देना है तो कितना देना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, या देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट आज इस वीडियो में बताया गया है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में जाकर टाइप करना है ऑनलाइन ई फाइलिंग। जैसे ई फाइलिंग टाइप करते हो उसके बाद आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in जो आपका ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो फ्रंट पेज है आ गया दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो पैन है और यूज़र आईडी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। प्रोसेस सेम है, आप ऊपर देखिए उस सिंबल पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी वो आपका पैन कार्ड है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इसमें देखिए, सबसे पहले आपकी जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें प्लीज़ कंफर्म योर यूज़र एक्सेस मैसेज, और उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपका कंटिन्यू करना है, पासवर्ड डाल के आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों, प्रोसेस बाकी सब फाइलिंग में सेम है, इसमें कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, दो एक जगह पर होगा। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट अपने कौन सा असेसमेंट ईयर करना चाहते हो, 2022-23, उसके बाद ऑनलाइन, ऑनलाइन के बाद कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद अभी देखिए दोस्तों स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आप रिज्यूम करके रखा है पुराना फाइलिंग वो भी कर सकते हो, अगर स्टार्ट करके आप न्यू फाइलिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पहली बार फाइलिंग कर रहे हैं उनके डिटेल देना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल को क्लिक करना, तीन ऑप्शन है उसमें इंडिविजुअल को क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करके उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में, अभी कंटिन्यू में जाने के बाद उसके बाद देखिए दोस्तों प्रोसीड ऑप्शन, उसके बाद कंटिन्यू। आप बस जो चीज़ मैंने दिखा रहा हूँ आप उस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया डिफेंस पर्सनल आपके लिए जाहिर सी बात है ITR 1, उस पर क्लिक करना है। ITR 1 पर क्लिक करने के बाद आप धीरे धीरे अपनी पेज को स्क्रॉल कीजिए, इसमें पूरा ITR का सेक्शन आता है आपका, आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल। उसके बाद प्रोसीड टू ITR 1 फाइलिंग, दोस्तों प्रोसीड टू ITR 1 फाइलिंग में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब देखिए आपका ITR 1 फॉर्म जो भरने का पूरा फॉर्मेलिटीज आपके पास अभी ओपन हो जाता है। उसके बाद आप धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिए, अभी लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपका जो है न्यू फाइलिंग अभी शुरू हो जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें पूरा ऑप्शन पढ़ सकते हो बट आपके लिए ज़रूरत नहीं है, खास करके डिफेंस पर्सन का सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है अदर्स, अदर्स पे आप क्लिक करना है। अदर्स पे क्लिक करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, कंटिन्यू आपको टच करना है या प्रेस करना है। दोस्तों, आप बहुत आसानी से सिंपल तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो दोस्तों, आप बिल्कुल घबराए मत। तो अभी क्या करना है दोस्तों, अभी सबसे पहले क्या करना है, आप इसमें जो ऊपर जो डायलॉग बॉक्स आ गया दोस्तों उस पर ओके करना है। आपको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हो दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको, जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कन्फर्म करना है जो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, जिसमें आपने अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सब कुछ चेक करने के बाद अभी इसमें देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर्म न्यू टैक्स रिजिम, जो है आपका ऑप्शन नो होना चाहिए, जो आपने नया टैक्स रिजिम की तरह लेना चाहते हो कि नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है इसका लास्ट 4 डिजिट आपको दिया हुआ उसको कन्फर्म करना है, और उसमें कन्फर्म कर आप दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें जाने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आप मेरा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए अभी टाइम हो रहा है 23:44 यानी 12:15 बज रहा है लगभग, और मैं 12 बजे तक आप सभी के लिए आज इस फाइलिंग को कंटिन्यू करूंगा दोस्तों, और दिखाऊंगा जो 12 बजने के बाद
तो कितना मेरा चार्जेस कट सकते हैं और क्या हो सकता है मेरे साथ में दोस्तों, प्लीज़ बने रहे मेरे साथ वीडियो में। अभी ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करने के बाद आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है सेक्शन 10-14, इसमें जो भी दोस्तों फौजी भाई लोग हैं अपना अलाउंसेस पैसा, अपने ड्रेस अलाउंस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस सब कुछ इसमें ऐड और TPTL ऐड करके डाल सकते हो दोस्तों। इसमें आपने डालना है अपना जो भी अमाउंट है वो डालना है। जैसे मेरा जो क्लाइंट है इनका ड्रेस अलाउंसेस है ओनली 10,000 रुपीज़, जैसे आप सभी को पता है आप सभी को मिलता है, तो 10,000 रुपीज़ इसमें ड्रेस अलाउंसेस डालना है। उसके बाद 10,000 रुपीज़ ड्रेस अलाउंसेस डालने को तो उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद दोस्तों इसके लिए आप देखिए आपके लिए जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है आप आसानी से पढ़िए और उसके बाद आप डाल सकते हो, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों। अभी इस तरह आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कीजिए और इस तरह चलते रहिए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीक़ा से आप इस वीडियो को देखते हुए आप अगर इनकम टैक्स फाइलिंग करोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगा, आप आसानी से फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए जो मेरा क्लाइंट का है इनका जो सोर्स ऑफ इनकम अदर्स भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम दी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट है जिसमें 20,547 मिला है, और इंटरेस्ट फ्रॉम दी सेविंग्स अकाउंट जो भी मिला है आपको क्लिक करना है, वो आपका ग्रॉस इनकम में एड ऑन होगा। अभी 6,36,699 रुपीज़ ये जो है मेरा क्लाइंट का ग्रॉस इनकम हुआ है दोस्तों। अभी इसके बाद कन्फर्म करना है, कन्फर्म करके नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। बहुत बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से दोस्तों मैं जल्द से जल्द दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास आ रहा है टोटल डिडक्शन। दोस्तों टोटल डिडक्शन पर भी क्लिक करके आपका जो भी डिडक्शन है आपको कन्फर्म करना है। आप जरूर इस फाइल को करने से पहले 26AS को आप चेक कर लीजिएगा। 26AS कैसे चेक करना है, ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो डाल दिया, आप उसको देखकर आप 26AS को चेक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद देखिए मेरा क्लाइंट का जो है 80C में, 80C में जैसे कि आप सभी जानते हो आपका जो भी सेविंग्स आप PPF और आपका LIC प्रीमियम वगैरह सब कुछ आप 80C में डाल सकते हो। 80C में आप मैक्सिमम 150,000 तक ले सकते हो दोस्तों। बाकी जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं उसमें नो करते जाना है। अभी जैसे इनके लिए 80C एप्लीकेबल है तो 80C को यस करना है, और यस करके फिर आपका जैसे मेरा क्लाइंट का है 150,000 जो इनका 80C का क्लेम करना है, 150,000 इसमें हम डाल दिया है। उसके बाद आप अभी कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सिर्फ इसको फॉलो करते रहिए, आपको आसानी से आप बिल्कुल खुद किसी के पास बिन बगैर जाए आप इसको पूरा फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं 80D कैसे, दोस्तों 80D अगर आपको भरना है, आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर लेना है इसमें 50,000 तक ले सकते हो, ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो डाल दिया है 80D कैसे फिलअप करना है, मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, आप आई बटन में क्लिक करके आप 80D वाला कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको जो भी आपको इसमें लेना है, आपको प्रिविलेज लेना है आप लेना है, उसके बाद जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं उसमें नो करना है, उसके बाद लास्ट में कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आप कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों आप देख सकते हो कन्फर्म करना है। उसके बाद अब दोस्तों उसके बाद कंटिन्यू करना है दोस्तों। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मैटर ये है, आप मुझे मेरा मोबाइल स्क्रीन पर ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए अभी टाइम हो गया रात को 12:09, इसका मतलब 12 बज चुका है। अब दोस्तों अभी दिखाना है आपको अगर इनकम टैक्स से चार्जेस काटता है तो कितना कट सकता है दोस्तों। कन्फर्म किया उसके बाद दोस्तों हम अभी नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे जिसमें आप देख सकते हो टोटल टैक्स आपका जो पेड है दिखा रहा है 35,989 रुपीज़, और साथ में ये दिखा रहा है टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ 1,000 रुपीज़। दोस्तों अभी इंटरेस्टिंग मैटर ये है, तो टैक्स तो मेरा उतना काटा था जितना दिखा रहा है 35,989 रुपीज़, इसमें से क्या क्या टैक्स काटा हुआ है दोस्तों आप मैं अभी धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा मेरा मोबाइल स्क्रीन पर। ये सब चीज़ आप आसान तरीके से आप अपने मोबाइल पर ही कर सकते हैं, इस वीडियो को जस्ट देखना है, कॉपी करना है और आपने उसको इंप्लीमेंट कर देना है दोस्तों। आप अब देख सकते हो टैक्स आपको क्या क्या काटा है, आप अपने खुद पढ़ के देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप आसानी से इसमें क्या करना है, कंफर्म करना है, मतलब टैक्स आपको इतना काटा था, आपने जो टैक्स पेड TDS आपने पेड किया था, टैक्स डिडक्शन ऑन द सोर्स ये कंफर्म हो गया, इतना आपने पेड कर दिया दोस्तों। इसके बाद कंफर्म बटन में क्लिक करना है। उसके बाद अभी नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों अभी देखना है टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़। टैक्स लाइबिलिटीज़ जो 1,000 रुपीज़ जो काटा है वो 1,000 रुपीज़ किस चीज़ का है दोस्तों, अब हम देखेंगे। आप देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उसमें आपको 11,000 जो समथिंग जो भी रिबेट है आपको दिखा रहा है। आप टोटल डिटेल्स आप वन बाय वन पढ़ सकते हो, बट दोस्तों मैं जल्दी करने के लिए थोड़ा मैं धीरे धीरे फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए आप अपना
जो भी आपका टैक्स है, आपका कम्यूटेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। बट मुझे ये देखना है जो 1000 रुपीज़ दिखा रहा है वो किस चीज़ के लिए डिडक्ट हुआ, क्योंकि मेरा क्लाइंट का 100% रिफंड होने वाला था, बट क्या चीज़ हो गया जिसकी वजह से 1000 रुपीज़ कटा है दोस्तों। अभी हम धीरे धीरे दोस्तों वन बाई वन आप चेक करोगे दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। अभी दोस्तों देखिए, हाँ दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, आप देखिए दोस्तों फी अंडर सेक्शन 23AF, मतलब फीस ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब जो डिले फाइलिंग कर रहा है दोस्तों उसके लिए 1000 रुपीज़ काटा है दोस्तों। बिल्कुल कंफर्म हो गया दोस्तों, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जैसे आपका सिस्टम 12 o'clock इन द नाइट कवर हो गया, क्रॉस हो गया दोस्तों, 1000 रुपीज़ जो है आपका फीस जो फाइन कट लिया है दोस्तों। ये ज़्यादा अमाउंट नहीं, आपका 35,000 रिटर्न हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आसानी से आप डिले फाइलिंग कर सकते हो दोस्तों, और 1000 रुपीज़ कोई बड़ा जुर्माना नहीं है। इसलिए मैं फौजी भाई लोगों को बताऊंगा, आप कहीं पर भी है जल्द से जल्द आप इस वीडियो को देखिए और अपना फाइलिंग कन्फर्म कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद कन्फर्म करना है, कन्फर्म, और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अभी क्या करना है, क्या रिमार्क आ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमने 139(1) के हिसाब से चल रहा था, जो बिफोर डेट हम जो इसमें ITR सबमिट करते वही फॉर्म के हिसाब से चल रहा था, ITR 1 पे 139(1). अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम करेंगे अभी प्रोसीड दोस्तों। प्रोसीड पर अगर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो दोस्तों 12 बज चुका है, 12:15 हो गए। इतना रात तक सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और दोस्तों देखते रहिए आप। इसके बाद आप देखिए अभी क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न्स दोस्तों देखिए, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ रुपीज़ 34,990, मतलब 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो गया दोस्तों। अब हम देखिए, आप देखिए आप पूरा डेटा बार बार आप चेक कर सकते हो, सो दैट एरर, बिल्कुल एरर फ्री आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो। प्रीव्यू रिटर्न, इसके बाद क्या करना है, क्लिक करना है प्रीव्यू रिटर्न पर दोस्तों। जैसे हमने प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अभी देखिए प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, जो भी आपको डेटा है एक बार आपको रीचेक करना होता है, जिसमें आप अपनी जो आपका जो नाम है उसके बगल में जो स्क्वायर बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। आप पूरा डेटा आपको एक बार रिव्यू करना है, और उसके बाद आपको इसमें कंटिन्यू करना है दोस्तों, इसमें फॉलो करना है। आप अगर इसमें सेल्फ अब रिटर्न कर रहे हो, जैसे आप सेल्फ भर सकते हो, आप सेल्फ रिटर्न कर रहे हो, तो उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है इस वीडियो को देखते हैं। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन होता है कि नहीं होता है दोस्तों। अभी वैलिडेशन पर हम क्लिक कर दिया दोस्तों, अभी ये देखना है वैलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो पुराने हिसाब से भर दिया था, 1000 रुपया फीस भी दे दिया। अभी ये देखना है दोस्तों वैलिडेशन हो रहा है कि नहीं। अभी देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट डेटा दोस्तों, इसमें आपको जो चीज़ चेक करना हो मैं बताऊँगा, आपको पूरा चीज़ चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आप डेल्टा 14 मतलब D14 कलम को पक्का चेक करना, जिसमें आपका रिफंड अमाउंट मेंशन होता है, एटलीस्ट यू विल बी श्योर दैट वेदर यू आर गोइंग टू गेट रिफंड। देखिए दोस्तों D14 रिफंड अमाउंट 34,990 रुपीज़, इसको चेक करना है। अदरवाइज कभी कभी ऐसे हो सकता है जो आप जल्दीबाजी में भर दिया, आप हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कम हो, आपको पेएबल हो रखा होता है, बट आपको पता भी नहीं चलता, और जिसकी वजह से आपको रिफंड की जगह पर उल्टा पे करना पड़ता है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और बहुत ही जल्द कोशिश करो जल्द से जल्द बना के आपको एक बहुत ही सॉलिड वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दिया जाए दोस्तों। उसके बाद आप इसके बाद आप स्क्रॉल करना है और आपको उसके बाद कन्फर्म करना है दोस्तों। अब दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद अभी हम देखते हैं इसके बाद क्या ऑप्शन आता है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में ऐसे हुआ है जो मैं ITR फाइल करते हुए रात हो गया और लास्ट डेट दोस्तों। अभी यहाँ पर देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन मतलब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, इसका मतलब माई फाइल इज़ ऑलमोस्ट ओवर। सो एंड द नाउ द ऑप्शन इज दैट प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन द प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस दोस्तों। इससे सिंपल और आसान तरीका से आप ITR फाइल कर ही नहीं सकते जो आज मैंने इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ। बट दोस्तों देखिए यहाँ पर एक एरर आ ही गया दोस्तों। वैलिडेशन तो सही हुआ था, वैलिडेशन कंप्लीटेड, बट वन एरर फाउंड दोस्तों। एरर क्या है, वो जो मेरा दिमाग में भी डाउट हो रहा था दोस्तों, 139(1) जो
इनकम टैक्स फाइलिंग बिफोर दी डेट होता है दोस्तों, उसका जो सेक्शन होता है वो अंडर सेक्शन 139(1) है। बट अभी क्या करना है दोस्तों, अभी आपका जो हो गया, आपका ये हो गया डीले फाइलिंग। दोस्तों अभी डीले फाइलिंग का फॉर्म नंबर अलग है, आप जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे दोस्तों, अभी जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखिए मुझे ऑटोमेटिकली मैं उस पेज पे डाइवर्ट हो जाऊंगा, मेरा जो प्रोसेस जो उसी पेज पे सीधा ले जाएगा। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, आप दोबारा अपना डेटा चेक कर लीजिए। अभी इसमें देखिए आपका जो सेक्शन, ये देखिए फाइल अंडर सेक्शन 139(1) की जगह पर आपको क्या करना है, आपको अभी क्या करना पड़ेगा 139(4), है ना, 139(4) करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी अगर बिलेटेड फाइलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो 12 बज गया है, मतलब रात को 12 बज चुका है, इसलिए आपका अभी बिलेटेड फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी बिलेटेड भरेंगे हम, अभी 139(4) आपने क्लिक कर दे, उसके बाद कंफर्म क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको देखना है, अभी देखना है क्या फाइलिंग सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। अभी कंफर्म करने के बाद दोस्तों अभी करना है प्रोसीड। अभी जैसे ही आप देखिए, आपको जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन, ओके प्रोसीड के बाद सेम दोबारा आ गया रिव्यू रिटर्न में आप देखिए दोबारा आप कंफर्म, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹34,990, जो 35,000 कुछ 890 होना था, जहाँ पर आपको ₹1,000 कम मिल रहा है। बट दोस्तों इट्स ओके, इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, आप आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब हमको क्या करना है, नीचे जाके दोबारा प्रीव्यू रिटर्न्स करना है। तो प्रोसेस जहाँ पर आपको कोई रिमार्क या एरर आ जाता है दोस्तों, वहाँ से आपको प्रोसेस जो है दोबारा करना पड़ता है दोस्तों। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं, आप आसानी से कर सकते। अब दोस्तों दोबारा ऑप्शन आ गया प्रोसीड टू वैलिडेशन। दोस्तों अभी हम वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन पिछले बार भी आसानी से हो गया था, बट तो एक एरर आया दोस्तों, वो एरर हमने किल कर दिया। आपने भी देखा है वीडियो पे, एक ही एरर था दोस्तों, वो एरर हमने किल कर दिया। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन, दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, दोस्तों वेरिफिकेशन इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा, हाउ टू डू ई वेरिफिकेशन दोस्तों, उसका सेपरेट वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दिया, आप आसानी से देख के कर सकते हो, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया। अभी वेरिफिकेशन करना है तो क्लाइंट को कॉल करके उसका आधार नंबर पे जो OTP गया वो लेना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप इसको देख के आसानी से कर सकते हो। आप वैलिडेशन की वेरिफिकेशन के लिए वो जो अलग से मैंने वीडियो दिया उसको आप देखिए, आप कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों। आप लोगों को ऐसे खूबसूरत जानकारी दे के मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। अगेन दोस्तों आपकी सपोर्ट और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।